हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रथम पाली का जो आंसर की है आई, उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कितने ऑब्जेक्टिव है वह सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा, यहाँ पे 17 नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे चौथे नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है बाघ उपभोक्ता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर का। चौथा नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। तो यह होता है यकृत द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। तो यहाँ पे समजात अंग हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह सातवें नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है। तो यहाँ पे हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। आठवें नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो जीनोटाइप कहलाती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह नौवे नंबर जो क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो नौ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है दस नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी दो नियम है। इसी तरह बारह नंबर जो क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। इसी तरह तेरह नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है। तो यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौदहवें नंबर जो क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। तो आवर्धन का सूत्र होता है वी बटा यू, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक प्रिज्म से कितने सतहों से घिरा होता है, तो पांच सतहों से, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सत्रह नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वह कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो गार्ड कोशिकाओं द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो CO2 गैस मुक्त होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर वह कह रहा है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो यहाँ पे सबसे अधिक होता है लाल में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O। तो यहाँ पे तीनों मुक्त होता है, यानी इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है ATP का विस्तारित रूप है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडिनिन थाइमिन फास्फेट होता है, ए से एडिनिन, टी से थाइमिन, पी से फास्फेट। इसी तरह हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा, दोनों पर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग धारा अधिकतम होता है। तो लाल रंग के तरंग धारा अधिकतम होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, तो पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में। पार्श्व क्रम और समांतर क्रम एक ही होता है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस उपकरण में प्लस धन और माइनस ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो वह जो होता है वोल्ट मीटर में नहीं होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, तो यह अभिसारी होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बेबर। 30 का आंसर हो जाएगा बेबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर के शून्य जीरो तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, ए मीटर का अल्पतमांक क्या है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.01 एम्पियर। इसी तरह 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो एथिलीन है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोबर छाता क्या है, तो एक मृत जीवी है, यानी कि 34 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो O3 होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 36 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, यानी 37 के ए ऑप्शन हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 नंबर है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, तो द्विविस्थापन होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर PbO प्लस Na2 प्लस O2, यह हमारा संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी प्राकृतिक सूचक होता है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 नंबर है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो Na2CO3 10H2O होता है, 10H2O, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ है, तो वह हीरा होता है, सबसे कठोर पदार्थ, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को OH- करेगा, OH- जो होता है यह क्षार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो 1 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 50वें नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान है, तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, तो 8 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का होता है, Al हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोडियम Na से 12, देखिए यहाँ पे सोडियम Na से छोटा होता है, जिंक जिंक से छोटा होता है, मैग्नीशियम, और सबसे कम कॉपर का यहाँ पे सक्रियता श्रेणी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, Fe2O3+2Al+2Fe, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 56 का
अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो यहाँ पे पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय स्रोत है, यानी 57 के सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होता है जीव जंतु होता है, इसमें नहीं दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जो जल करके उष्मा उत्पन्न करे उसे ईंधन कहते हैं। 59 का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूरो द्वितीय का संबंध है तो वायु प्रदूषण से होता है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन करता है? तो प्रिज्म के द्वारा होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 61 का। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सौर सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH क्षारक हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे H2O2 होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 64 का। 65वें नंबर क्वेश्चन है, CaO Cl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या होता है? तो वह विरंजक चूर्ण होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl+KiO3 और NaCl+Ki, यह दोनों होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 66 नंबर क्वेश्चन का, इसी तरह हम लोग 67वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% SN यानी टीन है उसका नाम है, तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो 2 अबंध होता है, यानी 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प जो होता है ZnCl3 2 होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो साबुन कहलाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा CO, इस तरह से ये वाला सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक एल्काइन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति में के कारण लाल होता है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 73 का। इसी तरह 74 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है? तो दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इनामेल हो जाएगा। इसी तरह 76 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में 76 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आयोडीन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो लाइक कर दे जल्दी से फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक जो होता है 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कवक हो जाएगा। इसी तरह 78 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो देखिए यहाँ पर वायुमंडल भी पर्यावरण का है, जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अब इस प्रथम पाली के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप वीडियो
जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।